हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम एक कैफ़े एक्सप्लोर करने आए हैं और आज हम एक बहुत अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है टिकेंट पिंक, जो कि DLF में पड़ता है। और ये यहाँ का एम्बियंस आप देख सकते हैं और अंदर चल के देखते हैं क्या माहौल है। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने और बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप यहाँ आइएगा, तो चलिए देखते हैं। तो एम्बियंस आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। फिर हम आ जाते हैं मेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे हमें ड्रिंक वगैरह का मेन्यू मिलता है जो कि कॉकटेल वगैरह है, तो वो मैंने साइड कर दिया, वो अभी हमें चाहिए भी नहीं थी। हमें चाहिए था फूड, वहाँ का क्या फेमस है। ठीक है, एम्बियंस अदरवाइज़ देखा जाए तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन्यू कार्ड शुरू हो गया। यहाँ पर आप रेट भी देख लीजिए, आपको हर तरह की यहाँ पर डिशेज़ मिल जाएंगी, चाहे वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, एवरीथिंग। और काफ़ी बड़ा इनका मेन्यू है, काफ़ी न्यू वैरायटी के खाने भी हैं। यहाँ पे आप स्टार्टर्स में देख सकते हैं, तो अगर आप हनी चिली लेंगे तो आपको ये 295, बाकी ये आप प्राइस देख सकते हो। तंदूरी आलू 395। ठीक है, तो इस तरह के प्राइस है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत पिंक पिंक सा है, बहुत खूबसूरत सा है। और ये यहाँ का बाहर सेक्शन है, तो अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो तो ये भी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा बाहर सेक्शन बना हुआ है। तो इस वक्त हम हैं टिकेंट पिंक में और यहाँ पे एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है और बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है यहाँ पे। और साथ में इसका आप मेन्यू देख सकते हैं, इन्होंने पूरी पिंक थीम पे रखा हुआ है, पिंक चेयर्स और साथ में पिंक प्लेट्स भी आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये, और मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट है, इस वजह से मुझे और भी अच्छा लग रहा है। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या है, पहले तो मैंने आपको मेन्यू कार्ड भी दिखा दिया कि आप देख सकते हैं इसमें क्या प्राइजेज हैं। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये बना हुआ है, आप पूरा देख सकते हो, काफ़ी बड़ा सिस्टम हुआ है। इतनी अच्छी जगह जाने के बाद कौन नहीं चाहेगा कि अपनी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ वगैरह ले, तो मैंने भी कुछ वीडियोस बनवा ली, तो वो आगे आपको इसी पे भी देखने को मिलेंगी। इतनी प्यारी प्लेस थी कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ज़रूर अपनी वीडियोस वगैरह शूट अच्छी करनी चाहिए, रील्स वगैरह, तो मैंने यहाँ पर भी रील्स बनाई, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है ना, एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पीसफुल म्यूजिक है और बहुत सुकून है और बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में जो इतना इन्होंने वाइब्रेंट कलर्स दे रखे हैं प्यारे प्यारे से, बहुत इसको अट्रैक्टिव बनाता है, तो मस्ट विजिट करिएगा आप। बाकी हमने ऑर्डर कर दिया है अपना, जैसे ही खाना आता है हम आपको दिखाते हैं। तो अब आती है हमारे खाने के ऑर्डर की बारी। तो हमने इनसे पूछा कि इनकी सिग्नेचर डिश क्या है, तो इन्होंने हमें बताया कि इनके यहाँ मशहूर कलौटी कबाब है। तो ये हमारे आप देख सकते हैं कलौटी कबाब आ गए हैं मशरूम के, कबाब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। साथ में इन्होंने यहाँ पे छोटी सी सिग्नेचर डिश की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिया हुआ है, ये फ्राइज टाइप का है, ये प्याज है, थोड़ी सी चटनी है और ये कुछ क्रम्ब जैसा दिया हुआ है। साथ में हमें यहाँ पे लच्छा पराठा भी इसके मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही गर्मा गर्म है। साथ में हमें चटनी मिली है और ये सैलड मिला है। तो बस अब हम इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि
इसका टेस्ट कैसा है। तो हम जा रहे हैं कबाब लेने। सबसे पहले तो हम कबाब लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कबाब, क्योंकि ये गलावट के कबाब होते हैं मशरूम, ठीक है। साथ में थोड़ी सी मैं चटनी लेती हूँ और प्याज ले लेती हूँ मसाले वाला, और ये हमारा लच्छा पराठा जो आया है। तो ये पिंक प्लेट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये आप देख सकते हैं, सो ब्यूटीफुल। तो अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पराठा देखते हैं और पराठे के साथ यहाँ पे हमने गलावट कबाब, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है गलावट है ये। और ये हमने जा रहे हैं फर्स्ट बाइट लेने। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट ली, आप जैसे मुंह में गया घुल गया, और मैं ये कह ही नहीं सकती ये मशरूम है, मतलब बिल्कुल जैसे हम लोग नॉनवेज गलावटी कबाब खाते हैं उसका टेस्ट आता है, सेम वैसे ही बना हुआ, वैसे ही क्रिस्पी है और अंदर से एकदम गूई है जैसे मुंह में जा रहा हो। पराठा इतना अच्छा है मीठा सा, तो इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। साथ में जो चटनी है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप ये मशरूम गलावटी कबाब टेस्ट करिएगा। ये 4 है और इसका प्राइस मैंने ऑलरेडी मैंशन कर दिया अपनी वीडियो में, तो अच्छी डिश है, ट्राई करिएगा। तो कबाब पराठे खाए हमने, मशरूम की गलावटी बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमने यहाँ की जो सेकेंड डिश है वो है हनी चिली पोटैटोस। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, साथ में यहाँ पे इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है इसको। यहाँ पे जूलियंस दिए हुए हैं और ये है यहाँ पे कैबेज वाली, और ये देखिए आप देख सकते हो। तो बस अब हम इसे भी ट्राई करते हैं और बताते हैं। तो पहली डिश तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। गर्म है, चिली पोटैटो का बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी है। और आपने देखा होगा कई जगह मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा थिक सी सॉस होती है उसमें लगी होती है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। ये बहुत अच्छे से कोटेड है, साथ में बहुत खट्टे मीठे सा टेस्ट आ रहा है, क्रिस्पी सा, स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी खानी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी डिश है, इसका प्राइस भी मैंने मेंशन कर दिया, तो आप क्वांटिटी देख सकते हैं। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो ये आराम से हो जाएगी, और 2 लोग आ रहे हैं तो गलावटी कबाब भी आराम से हो जाएगी। तो हमें कबाब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, तो हम लोगों ने फिर से एक पराठा ऑर्डर किया है, क्योंकि वो 4 पीस आए हुए हैं। पराठा काफ़ी लाइट था, काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट में, तो हमने एक और ऑर्डर कर दिया गर्मा गर्म। तो हम गलावटी के साथ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा एक और पराठा जो हमने किया था ऑर्डर वो आ गया, क्योंकि हमारे 2 पीस ये रह गए हैं इसके साथ। तो सबसे बेस्ट क्या लगा? पराठा बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे यहाँ पे, और मुझे फूड भी यहाँ का बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पे मुझे एम्बियंस यहाँ का बहुत ही खूबसूरत लगा, क्योंकि मैं जाया करती हूँ लेकिन कभी कभार ही होता है जहाँ पे इतना खूबसूरत मिले, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मस्ट विज़िट करिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, स्पेशली अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह के शौकीन हैं, और फूड भी बहुत अच्छा था यहाँ के, तो अच्छा लगेगा आपको। तो हम जैसे ही टिकट से निकलते हैं, हम देखते हैं वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बहुत प्लेजेंट वेदर था और बिल्कुल लग रहा था क्लाउडी बारिश होने वाली है। तो हमने सोचा क्यों ना हम नेक्स्ट जगह जाते हैं, तो वो नेक्स्ट जगह आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। जब तक के लिए आप ये ब्लॉग इंजॉय करिए, मुझे बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर।